बेटमा में हुए क्रिकेट विवाद के बाद उपजे विवाद को लेकर गुरुवार शाम को स्थानीय थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि जो भी इस घटना में दोषी है उन्हें सजा मिलना चाहिए और जो लोग बेगुनाह हैं वह नहीं फंसना चाहिए। शांति समिति की बैठक में इंदौर पश्चिम SP महेश चंद जैन, अपर कलेक्टर राजेश राठौर, एडिशनल SP शशिकांत कनकने, जिला पंचायत उपाध्यक्ष गोपाल सिंह चौधरी, इंदौर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली, SDOP आशुतोष मिश्र, पूर्व नपा अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान, थाना प्रभारी संजय शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन बेटमा में आज शांति समिति की बैठक रखी गई। उस बैठक में सभी लोगों ने आपस में सौहार्दपूर्ण चर्चा कर ये तय किया कि जो घटना हुई उसको सब भूल जाएं और आगे भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, ऐसे हम सब लोग मिलकर के इस बेटमा की जो पुरानी वो है संस्कृति उसको कायम रखेंगे और बेटमा में सभी लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल करके इस बेटमा में विकास करेंगे और सब लोग भाईचारे से रहेंगे। का उस पर नियंत्रण नहीं है उस घर में, इसलिए घर की बात बाहर जा रही है। जो बेटमा का घटनाक्रम हुआ वो भी सभी के लिए दुखद था, हम प्रशासन के दृष्टिकोण से भी हम लोगों के लिए अलर्टिंग था, लेकिन यहाँ मैं आया हूँ आप लोगों के जैसे मुझे विचार जानने को मिले हैं तो इस चीज़ से तो मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर मुखिया है, प्रॉपर है मुखिया की सबकी समझ है, आम सभी लोगों की समझ है कि हाँ क्या होना चाहिए, समाज में सौहार्द होना चाहिए और आगे हम लोगों को क्या करना है, आश्वस्त हूँ। लेकिन फिर भी जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं आग की तरह होते हैं कि जहाँ आग भी कहीं ना कहीं किसी मोमेंट से स्टार्ट होती है और बाद में वो फैल के फिर पूरे शहर को या पूरी जगह को घर को सबको अपने उसमें ले लेती है, तो समझदारी उसमें है कि पहली बात तो उन सारे पॉइंट्स को हम लोग आइडेंटिफाइड कर ले जहाँ से आग लग सकती है या इस तरह की घटना हो सकती है, और अगर किसी प्रकार से हो भी जाए खुदा ना खास्ता तो समझदारी ये कहती है कि हम लोग उसको वहीं पे फूंक के बुझा दें, पानी डाल के बुझा दें, ये मूर्खता ना करें कि उसको अफवाहों के रूप में चाहे सोशल मीडिया के रूप से चाहे चार चार लोग इकट्ठे होके पंचायत करके उसको और फैलाएं और एक दूसरे के खिलाफ हम लोग अफवाहों को करें। आज सभी बेटमावासियों की बेटमा के जिम्मेदार नागरिकों की एक मीटिंग बेटमा थाने पर बुलाई गई थी और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि बेटमा के सभी लोगों ने उस घटना को लेकर बड़ा ही दुख व्यक्त किया और सभी लोग उस पर ऊपर शर्मिंदा हैं और सभी ने ये विश्वास दिलाया है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुलिस और प्रशासन की तरफ से मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूँ, इस पूरे बेटमा को विश्वास दिलाता हूँ कि जो सही होगा पुलिस करेगी और यदि किसी ने दोबारा से इस प्रकार का दुस्साहस किया, कानून हाथ में लेने का प्रयास किया तो उसको हम अच्छे से सुधार देंगे। वहाँ में एक दुखद घटना हो गई थी, किसी बात को लेके विवाद हो गया था, तो उसी के जो भी कारण थे उसको एनालिसिस करने के लिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसको इंश्योर करने के लिए जो भी यहाँ के नागरिक प्रबुद्ध हैं उनके साथ आज शांति समिति की बैठक रखी थी और ये बड़ी खुशी की बात है कि सभी लोगों ने बड़े उस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है और बहुत जुनाइन तरीके से आश्वस्त किया है प्रशासन को और पुलिस को कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, तो हम लोग भी इसको लेकर आश्वस्त हैं। जैसा SP साहब ने बताया कि अगर भविष्य में कोई घटना की ऐसी संभावना बनी तो उस पर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जैसा आप जनता का यहाँ का कहना था कि साहब बेटमा हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही जाना जाता रहा है और भविष्य में भी जाना जाता रहेगा, तो हम लोग भी हैं निर्णय लिया गया है कि जो दोषी हो उसको दोष मुक्त किया जाए और जो नहीं हो उसको छोड़ा जाए। पुलिस और प्रशासन की तरफ से मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूँ, इस पूरे बेटमा को विश्वास दिलाता हूँ कि जो सही होगा पुलिस करेगी और यदि किसी ने दोबारा से इस प्रकार का दुस्साहस किया, कानून हाथ में लेने का प्रयास किया तो उसको हम अच्छे से सुधार देंगे। मीटिंग हुई, ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई, बेटमा में अमन चैन कायम रहे, शांति रहे, ये माता अमन चमन की नगरी गुरु नानक देव की नगरी है, तो इसके अंदर जो बेटमा में हमेशा चैन रहे और आगे भी बेटमा का पिछला इतिहास भी ये रहा है कि बेटमा में हिंदू मुस्लिम सभी ने साथ मिलकर ढोल ग्यारह और मुहर्रम का त्यौहार मनाया है और आगे भी मैं ऐसी नगरवासियों से और सभी हिंदू समाज और मुस्लिम समाज से अपील करता हूँ
कि आगे भी जो है सभी त्यौहार, होली आ रही, मोहर्रम आ रहा है, जो भी त्यौहार आ रहे हैं, सब बारात आ रही, जो भी इसमें सभी लोग साथ मिलकर भाईचारे से रहें और इस बेटमा नगर की पिज़्ज़ा को ख़राब होने से बचाए। और इसमें प्रशासन ने भी पूरा 15 तारीख को जो घटना हुई उसमें प्रशासन ने और बेटमा थाना के जो स्टाफ है, अन्य जो भी ऊपर के अधिकारी लोग हैं, प्रशासन ने इस व्यवस्था को अच्छे से संभाला और जो इसके अंदर अभी निर्णय हुआ कि जो दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, जो निर्दोष है उस पर कोई गलत प्रकरण दर्ज नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी लोगों ने हिंदू समाज, हमारे आदरणीय गोपाल सिंह जी चौधरी साहब और मुस्लिम समाज तरफ से भी बात रखी और इसके लिए प्रशासन ने भी आश्वस्त किया है कि आगे भी जो भी होगा इस पुरानी घटना को सब भूल के आगे अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। और बस बेटमा नगरवासियों से मैं यही अपील करता हूँ कि सब अच्छे से भाईचारे से रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चौहान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।